हाँ, हुजूर की बैत की हिकमत मैंने एक तो अपने कई कैसेट्स में बयान की है, वो तो ये है कि चूंकि ये काम आगे भी चलना था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सहाबा किराम सम और ताअत के उस रिश्ते में थे मुनसलिक के जो रसूल और उम्मती का होता है। आइंदा तो ये रिश्ता अब होना नहीं था किसी के माबेन, तो आइंदा वो नज़्म जमात कैसे कायम होगा, किस बुनियाद पर कायम होगा? उसके लिए एक सुन्नत आपको छोड़नी थी, एक रहनुमाई आपको देकर जाना था। वो रहनुमाई वो सुन्नत है जो हुजूर ने बैत की सूरत में अपने पीछे उम्मत के लिए छोड़ी। अगर ये ना होता तो हमें पता ही ना चलता कि फिर अब आगे क्या हो, या तो फिर नबी ही आता रहे, कोई नबूवत ही का दावा करके उठे, फिर जो उसके साथ होगा वो उसके साथ समुतात के अंदर मुंसलिक हो जाएगा। लेकिन जब नबूवत ख़त्म हो रही तो अब कैसे? यही वजह देखिए कि जैसे ही हुजूर का इंतकाल हुआ तो जो इस्लामी नज़्म हुकूमत कायम हुआ वो बैत की बुनियाद पर कायम हुआ। मालूम हुआ कि वो रहनुमाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए थे, हालांकि आपने इसके लिए कोई, जहाँ तक मेरा ज़खीरा है इल्म का, वो वाज़ हिदायत बैत के तरीक़े की कि इस तरह मेरे बाद इस तरह बैत करना, ये हमें नहीं मिलती। लेकिन जो रहनुमाई आप छोड़ गए थे उम्मत के लिए और जो अपनी सुन्नत के ज़रिए से नुमाया कर गए थे जिस तरीक़ेकार को, ऑटोमेटिकली सहाबा ने उसको इख्तियार कर लिया और यही अब हमेशा के लिए हमारे लिए एक रहनुमाई है। अलबत्ता ये कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर बैत लेने की इजाफी हिकमतें भी हो सकती हैं। मसलन बैत रिजवान का ख़ास तौर पर आपने जिक्र किया है, तो बैत रिजवान के मौके पर जो ये बैत ली गई है, एक बात ये हो सकती है, वल्लाहु आलम, अभी हमारे कंजेक्चर्स हैं और एक अंदाजे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों पर ये असर कायम करना चाहते थे कि वहाँ जो अब बाहर 1400 हैं वो मरने की बैत कर चुके हैं, इससे उन लोगों पर जो रोब पड़ा है, तो ये चीज़ भी एक वक्ती हिकमत जो है, यानी ये बैत जो है बैत अल मौत थी, ये बैत समुतात तो हो चुकी थी पहले ही, वैसे उस बैत से पहले ही हुजूर पर जो ईमान लाया था वो समुतात के ऊपर मजबूर है, लेकिन इस बैत रिजवान का जो एक हिकमत महसूस होती है, वल्लाहु आलम, जैसा मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारे अंदाजे हैं, वो ये है कि कुफार पर, मक्के वालों पर ये पूरी तरीके से बात आयां हो जाए कि अब ये लोग जो हैं ये बिल्कुल सर हथेलियों पर रख चुके हैं और सब ने मरने पर बैत कर ली, तो इससे यकीनन वहाँ जो फिज़ा पैदा हुई और जो सोचने पर वो आमादा हुए, पहले तो वो सिरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो जो 2-3 हजरात ने यहाँ का नक्शा जाकर वहाँ बताया कि वहाँ तो ये हाल है, तो फिर उन लोगों को होश जो है वो ठिकाने आए और उन्होंने फिर वो वाहिदा जो है करने पर आमादगी जाहिर की। ये एक बैत रिजवान के सिलसिले में खसूसी हिकमत हो सकती है, वल्लाहु आलम।